हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक और भी चैनल बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मैम आप करंट फीलिंग्स बस एक बार लाते हो, या कुछ ऐसे रीडिंग्स हैं जैसे जोडियाक वाइज रीडिंग जो है वो मैं इस चैनल पे नहीं लाती हूँ। तो एक टैरो फॉर यू करके चैनल है, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप उस चैनल पर भी जाके मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज मैं उस पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अपडेट करूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो दैट्स इट, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे रखे हमारे दो पाइल्स, एक है क्वीन ऑफ वॉन्स, दूसरा है किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स। तो आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दुखी नहीं होना है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपके लिए मैसेजेस भी लेकर के आई हूँ कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी क्वीन ऑफ वॉन्स की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी नाइट ऑफ वॉन्स की। तो इसे हम लोग साइड हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वीन ऑफ वॉन्स के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है हमारा वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स ये आप, दूसरा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ मेजर चीज़ें जो आप दोनों अपने रिलेशनशिप में लाइक एड्रेस करना चाहते हो, कुछ मेजर बातें, ये कुछ और भी कार्ड्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपके सामने रिवील करती जाऊँगी। कुछ मेजर बातें जो लाइक आपको और आपके पार्टनर को डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आप लोग डिस्कस करने के बारे में सोचोगे, बट उस पर कोई प्रॉपर डिस्कशन हो नहीं पाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आपके पार्टनर आपको अपने किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या इस टाइप के किसी चीज़ के बारे में बताएं। वो किसी टाइप के काम को कर रहे हैं जिस पे उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो काम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है, इस बात को वो आपके साथ शेयर करें। मे बी कि आपको थोड़ा अभी के सिचुएशन में अपने पार्टनर से बात करता हुआ ऐसा महसूस हो कि आप शायद लोनली हो, ओके, या आपको अकेला महसूस हो किसी किसी के लिए। और किसी किसी लोगों के अंदर ऐसा रहेगा कि भाई आपको उतना फोकस ही करने का मन नहीं करेगा, आप थोड़ा सेल्फ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहोगे, अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहोगे, अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहोगे। इन केस अगर आप अनमैरिड हो, आपके बच्चे नहीं हैं, या आप मैरिड भी हो, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपने फैमिली या अपने ऊपर फोकस करना चाहोगे। समवेयर हो सकता है कि आप थोड़ा इग्नोर करके चलो चीज़ों को। बैक ऑफ द माइंड में कुछ पेनफुल मेमोरीज आपको परेशान करेंगी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में ये एनर्जी रन कर रही है। तो ऑफ कोर्स एक और भी चीज़ है कि ये चीज़ अगर आपको परेशान कर सकती है तो ये आपके पार्टनर को भी परेशान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो कुछ पैथेटिक सिचुएशंस चले हैं, ओके, कुछ पैथेटिक जो सिचुएशंस चले हैं, कुछ ऐसी फाइट्स या कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पसंद आई या उनको नहीं पसंद आई, उनकी मेमोरीज आप दोनों को परेशान करेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बीच कांटेक्ट होना नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा मुश्किल है, या अगर कांटेक्ट होता भी है तो उसमें आपको कोई फ्रूटफुल कुछ मिलने नहीं वाला। तो इट्स बेटर कि आप अभी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की ही कोशिश करें। दी हाई प्रीस्टेस, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करना होगा कि अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने मैनिफेस्ट करने के तरीकों को फिर से रिविजिट कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक वेट की एनर्जी चल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
थ्री ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ कप्स. तो ऑफ कोर्स थ्री और फाइव के कॉम्बिनेशन पे आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई प्रीस्टेस. तो कोई ऐसा पर्सन, या ये आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, अपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, सही चीज़ों को सही तरीके से करने में बिलीव करता है, उनसे आप या आपके पार्टनर सजेशन लेने के लिए जा सकते हो. मे बी आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी इंगेज कर सकते हो. देखिए, आप दोनों के अंदर एक वेट की एनर्जी है, आप दोनों के अंदर वर्क की एनर्जी है और वेट की एनर्जी है. तो बहुत सारा काम आप लोग करोगे. अब इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप ऑफिस जाके कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, वर्क इज़ वर्क. चाहे आप जो भी कर रहे हो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप हाउस होल्ड वर्क भी कर सकते हो, या आपके हस्बैंड अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कोई काम अगर सपोज उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो भी वो काम कुछ ना कुछ करेंगे. ओके, लाइक छोटे छोटे काम ही सही, मगर काम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे बहुत एनर्जी के साथ. ओके, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की मेमोरीज और इस पर्सन को आपकी मेमोरीज काफ़ी परेशान करेंगी. ओके, तो आप लोगों के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा या कुछ रोमांटिक मोमेंट्स रहे होंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगे. अब जो लोग नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उनके लिए ये नाइट ऑफ वंड्स एक रोमांटिक कन्वर्जेशन की तरफ भी चीज़ों को ले जा सकता है. आप दोनों के बीच में रोमांटिक टॉक, लव टॉक, इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है. ओके, आपको कुछ बातें पता चल सकती हैं, या आपके पार्टनर को कुछ बातें ऐसी पता चल सकती हैं जो आपको या आपके पार्टनर को हर्ट करे, या पास्ट में उन्होंने कुछ और कहा हो, प्रेजेंट में कुछ और निकल के आए, या आपने पास्ट में कुछ और कहा हो, प्रेजेंट में वो बात कुछ और निकल के आए, तो उसके होने के काफ़ी चांसेस हैं. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर अलग अलग जगहों पे हों, अलग अलग, या आप कहीं दूर गए हो, या आपके पार्टनर कहीं दूर गए हैं, या कहीं ना कहीं अगर आप लोग फिजिकली दूर नहीं हो तो ये जो मेंटल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है वो आप दोनों को परेशान कर रही है, और आप लोग राह देख रहे हो कि कब हमारा कनेक्शन पहले के जैसा होगा. ओके, तो जिस तरीके से आप लोग पहले कनेक्ट करते थे, कितनी एनर्जी से कनेक्ट करते थे, एक दूसरे की बातों को समझ पाते थे, उसी तरीके की एनर्जी के तरफ आप लोग भागोगे कहीं ना कहीं. फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स इमोशंस रहेंगे अभी बस, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आप भी अपने कुछ ज़रूरी कामों में बिजी रहोगे. ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, बट हाँ, आप जो भी काम करो, इस पर्सन, आपको इस पर्सन की याद आएगी. एट द सेम टाइम आपके पर्सन या आपके जो पार्टनर हैं वो मनी के बारे में सोचते रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि मैंने जो काम किया या कहीं उनका पैसा फंसा है, तो उसके लिए वो हमेशा सोचते रहेंगे अभी वो पैसा कैसे निकालूं, क्या करूं, क्या ना करूं. तो ये थॉट्स जब आप दोनों को काफी ज्यादा परेशान करेंगे तो आप लोग सोचोगे कि भाई छोड़ो, अभी और थोड़ा माइंड को टेंशन फ्री रखने की कोशिश करते हैं. ओके, कुछ ऐसे किसी का ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करें, तो आप अगर उनके फैमिली के मेंबर हो तो आप भी उनके फैमिली टाइम के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ओके, सी, आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या अगर आपको कोई गलत सजेशंस दे रहा है, तो वो कौन सा पर्सन है, वो उसके क्या इंटेंशंस हैं, ये भी आपको ओवर ओवर ऊपर ऊपर एक आइडिया लग जाएगा. ओके, तो अपने आँखों को, नज़र को, कान को सब खोल के रखें और देखें कि कौन आपको क्या सजेशन देता है, क्या वो आपको सही सजेशन देता है या आपको गलत सजेशन देता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे. ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत इमोशंस हैं, बहुत एक दूसरे के साथ रहने की एनर्जी है, एक दूसरे के बिना अच्छा महसूस नहीं होता है. जब ये पर्सन, जब आप इनसे मिलते हो आपको कंप्लीट महसूस होता है, जब आप इनसे नहीं मिलते हो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं. तो जब ये पर्सन आपकी नज़र से दूर रहता है तब भी आप उनकी राह देखते रहते हो, तो इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे. अगर आप लोग अभी कोई मिलने का प्लान बना रहे हो तो उसमें कैंसिल होने के भी चांसेस बनते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए कैंसिल हो जाएगा. हाँ, बट किसी किसी के लिए ये कैंसिल भी हो सकता है, तो ज़्यादा टेंशन और चिंता नहीं करनी है और नहीं लेना है. तो चलिए अब हम आपके मैसेजेस देखते हैं कि आपके मैसेजेस क्या हैं. ओके, तो एक कार्ड आपका फॉलोआउट कार्ड है जो कि है कॉन्स्टेंट. तो जो कॉन्स्टेंट एनर्जी पे आपकी चीज़ें चल रही होंगी,
जो भी वो आपकी चलती रहेंगी. फेमिनिन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपके पार्टनर या आप किसी ना किसी फीमेल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे. अब ये फीमेल कोई भी हो सकता है, माँ, बहन, दोस्त, कलीग, बॉस, कोई भी, आप कोई भी, एनी पर्सन. और अगर आप मेल हो तो फिर आपके आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर या कुछ भी. तो एक कोई फीमेल टाइप के साथ टाइम स्पेंड करने के बहुत चांसेस हैं. कांस्टेंट एनर्जी है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. लेट गो और बी ड्रैग्ड. तो जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में जो आप कोई पर्पस नहीं सर्व करते हैं, तो उन चीज़ों को आप जाने दीजिए. अदरवाइज वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को अननेसेसरली पेनफुल बनाएंगी. तो अपने रिलेशनशिप को पेनफुल बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है. तो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं आएगा, बट हाँ, किसी भी टाइप के फाइट से बचें, बिकॉज आप दोनों के बीच में हो रही फाइट अभी आप लोगों को होपलेस कर सकती है. आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप का बेस क्या है, किस चीज़ पे मैंने अपने रिलेशनशिप को खड़ा करके रखा है. तो उस टाइप की थिंकिंग इस टाइप के रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज समवेयर अच्छी एनर्जीज है कि लाइक आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन है. कहीं ना कहीं आप लोग एक न्यू बिगनिंग एक दूसरे के साथ लुक फॉरवर्ड कर रहे हो. हाँ, वो डिलेज हो रहे हैं, थोड़ा लेट होके चल रहा है, बट लुक फॉरवर्ड तो कर रहे हो. एक दूसरे के लिए वेट करते हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारे नए नए जगहों पे जाना चाहते हो, एडवेंचर्स करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए चीज़ें करना चाहते हो. तो इट्स ओवरऑल गुड रीडिंग पे जा रही हैं चीज़ें. तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अभी नेगेटिविटी को एंटर ना होने दें और प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करें. तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, और मेरे दूसरे चैनल पे जाके अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो ज़रूर जाके देखें. कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ जाके देखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू, नमस्ते. अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें. टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन. एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो पाइल है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो आपको पता है कि जिस कार्ड को मैं पाइल बनाती हूँ, उस कार्ड को मैं कभी भी रीड नहीं करती. तो 5 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स. तो बहुत सारे सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा टावर्स. तो जो लोग भी यहाँ पे सुन रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लोग यहाँ पे हमारी रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे लगता है 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी रीडिंग काफ़ी क्लियर आई है, काफ़ी क्लियर. जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो. काफ़ी सारी चीज़ें आपको वरी करा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पास्ट में जितने एफिशिएंसी के साथ, जितने एनर्जी के साथ आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रख पाते थे, अभी उस सेम एनर्जी को आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में या तो आप अपने पार्टनर के पीछे भागो, या आपके पार्टनर आपके पीछे भागें, इस चीज़ की एनर्जी है. तो ऑफ कोर्स आप लोग कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश करोगे. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब है या रिलेशनशिप अच्छा है, मगर आप दोनों के लाइफ में सराउंडिंग सिचुएशंस, जो आप दोनों को छोड़ के बाहर के सिचुएशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हैं. तो उन सिचुएशंस को भी आप लोगों को डील करना पड़ेगा. अब होता क्या है कि अगर आप लोग बात करने बैठते हो, तो या तो आप सुन नहीं पाते हो, या तो आपके पार्टनर सुन नहीं पाते हैं, तो वो एक और पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता चला जाता है कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला पर्सन मेरी बात को सुन नहीं रहा है. कन्फ्यूजन्स आप लोगों के बीच में रहेंगे, दोराहे रास्ते रहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए. कभी आपको लगेगा कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए या इस पर्सन को फ़ोन करना चाहिए. कभी आपको लगेगा नहीं, मैं क्यों फ़ोन करूँ या मैं क्यों इस पर्सन के पीछे भागूँ, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भागता. तो ये कन्फ्यूजन 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 जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा चलेगा. आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं. बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं. तो मे बी आपका और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो रहा होगा, या हो चुका है, या बहुत टाइम से आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या बहुत टाइम से आपने अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं इन्जॉय किया है. तो आपको एक बात याद रखनी होगी
कि ये जो सिचुएशन है, ये जो होपलेस सिचुएशन है, उसमें कुछ डिसीजंस, अर्जेंट डिसीजंस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको या आपके पार्टनर को लेने पड़ सकते हैं. तो अगर आप अपने माइंड को कंफ्यूज रखते हो, लाइक अगर यहीं पे देखते हो, तो अकेला टैरो ही आपको बता रहा है कि ये भी डिसीजन आपको नहीं पता है कि क्या आपको इनके एफर्ट्स को एड्रेस करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स करो तो क्या अब और आपको एफर्ट्स करना चाहिए या नहीं. तो ये आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने अपने आप को उलझा लिया है, आपके लिए सोना मुश्किल है, बहुत बहुत समय तक आप जगे रहोगे, रोते रहोगे, सोचते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे. ओके, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, कुछ हैप्पी मेमोरीज भी आपके माइंड में आएंगी, मगर मोस्टली नेगेटिव एनर्जी ही आपको देखने को मिलेगी. आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ से ये पूरा सिचुएशन स्लिप होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, आप इसे पकड़ नहीं पा रहे हो. ये जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या होने वाला है, ये किधर को जाएगा, क्या ये टार मोमेंट को जाएगा. ओके, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि आपने इतनी मेहनत करके या आपके पार्टनर ने इतनी मेहनत करके इस रिश्ते को बनाया, और आज क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अचानक सब कुछ इतना खराब हो गया. ओके, तो ऐसा क्या हो गया जो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, या जो रास्ता साथ आप लोग चल रहे थे वो रास्ते आप लोगों के अलग कैसे हो गए. तो देखिए, ये रिलेशनशिप अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी को अपने माइंड से नहीं निकालते हो, तो वहाँ तक जा सकता है कि चीज़ें खराब हो जाएं. तो सबसे पहले तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, प्रॉपर डिसीजंस लेना है. अभी पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला, तो पीछे भागना बंद कर दीजिए. प्रॉपर अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आइए, सेपरेशन को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए. उसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, या आप ऑलरेडी अगर आपके झगड़े हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा आप टेंशन में हो कि इसके बारे में सोचोगे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी को एंटर करा लोगे अपने रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं थोड़ा समय, ओके, लाइक 3-4-5 दिन आप इस पॉजिटिव एनर्जी में स्पेंड करने के बाद फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, और अपने अपने इमोशंस के बारे में बात करने की ज़रूरत है. जो सबसे पहली ज़रूरत है वो इमोशंस के बारे में, आप क्या फील करते हो, आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. ओके, उसके बाद देखिए, आपके आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ये कैपेसिटी में है कि आप इसको मैरिज तक ले जा सकते हो, या मैरिज टाइप का रिलेशनशिप बना सकते हो, या आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो और आपका हैप्पी होम जो है वो प्रॉब्लम्स से होके निकल रहा है. मगर आप दोनों के रास्ते आगे जा कर के एक ही हैं. तो अभी 3-4 दिन बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से नेगेटिविटी को आपको बीट करके चलना होगा. बिल्कुल पॉजिटिव आप सोचना पहले तो बंद कीजिए. नेक्स्ट 48 आवर्स में आप और आपके पार्टनर के बीच में आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वरी कर रहे हो, या अगर आपके पार्टनर वरी कर रहे हैं, इनकेस अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो आप उनको बोलो कि भाई अभी आप वरी ना करो, 3-4-5 दिन का समय दो, तब तक आप नॉर्मली बात करो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, और तब आप लोगों की एनर्जी में आप लोग एक दूसरे से बात भी कर पाओगे. तो ऑफकोर्स मैरिज टाइप का सिचुएशन या बहुत इंटीमेट, बहुत लवेबल सिचुएशन होने के काफ़ी चांसेस हैं. अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिज भी कंटिन्यू करेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. अगर नेक्स्ट आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो फिर भी टेंशन ले रहे हो, तो टैरो देखने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज टैरो एक प्रिडिक्टिव प्लस एक गाइडेंस टूल है. तो गाइडेंस आप लेके जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रीडिंग लेकर के जाओ, गाइडेंस लेकर के जाओ कि नेक्स्ट 48 आवर्स डिमांड करता है आपका रिलेशनशिप कि किसी भी टाइप की ओवरथिंकिंग ना हो. रास्ते अगर एक करने हैं, रिलेशनशिप को वापस से नॉर्मलाइज करना है, तो कुछ समय 4-5 दिन ले करके और फिर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें. तो चलिए देखते हैं कि आपका जो मैसेज है वो आज क्या है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं. तो ब्रेव, ऑफकोर्स इतना तो ब्रेव आपको और आपके पार्टनर को बनना होगा कि अपने रिलेशनशिप को बचाना होगा. नथिंग एवर गोज अवे अंटिल इट हैज़ टॉट अस व्हाट वी नीड टू नो, यानी कुछ भी तब तक नहीं जाता है जब तक कि वो चीज़ हमें वो ना सिखा दे जो पर्पस से वो सिखाने आया है.
तो जो भी आपके लेसन्स होंगे या आपके पार्टनर के लेसन्स होंगे वो उन्हें सीखने पड़ेंगे या आपको भी सीखने पड़ेंगे. बट जिस टाइप की आपकी एनर्जी चल रही है, आपके लेसन्स और आपके पार्टनर के लेसन्स आप लोगों को मिल चुके हैं, तो अब ब्रेव रहिए, नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत रखिए, आपका रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग तरीके से सही हो जाएगा. तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी. इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे दूसरे चैनल पर आप जा करके देख सकते हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या हैं. ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट करें ना भी करें. अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स दोनों में मैंने अपने नए वीडियो का भी लिंक दे दिया है, तो आप जा करके उसे देखें. वो एक करेंट फीलिंग है प्लस आपके लाइफ, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है ये है. तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें. टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन. नमस्ते, बाय बाय.